न्यूज अपडेट्स के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चार मीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चार मीनार रोड, हैदराबाद। आदाब नाज़रीन, न्यूज अपडेट में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं अफशा जबीन। आइए नजर डालते हैं आज की अहम अपडेट की जानिब। बीजेपी के मौतल तर्जुमान नुपुर शर्मा और इनके साबिक साथी नवीन कुमार जिंदाल के रिमार्क्स पर जुमे को दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश के शहरों में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुए, जिसने एक बहुत बड़ा बैन अवी तनाजा खड़ा कर दिया है। दिल्ली में नमाज जुमे के बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक जामा मस्जिद के बाहर मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहरीन ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। बीजेपी तर्जुमान के पैगंबर इस्लाम की शान में मुबैना गुस्ताखी के खिलाफ गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में जुमे के रोज बाजार बंद रहे। तमाम सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की जुजवी नकल व हमल जारी रही। बट्टा मानू लाल चौक में ताजरों ने सड़कों पर उतरकर एहतजाजी मुजाहरे किए और गुस्ताखी के मुर्तकिब अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बाजारों में दुकान बंद होने की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था और कारोबारी सरगर्मियां भी मफलूज होकर रह गई थी। इनका कहना था कि ताहम सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की जज्वी नकल व हमल जारी थी। शहर हैदराबाद में भी नमाज जुमे के बाद गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी नजम किया गया। तारिकी मक्का मस्जिद के अलावा अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम पर भी बाद नमाज जुमा एहतजाज नजम किया गया और गुस्ताख रसूल की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। मक्का मस्जिद के पास एहतजाज के पेशतर पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था और एहतजाजियों की वीडियोग्राफी भी की गई। एमपीबी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उलमा और दानिश्वरों से टीवी चैनलों के मुबाहिसों और डिबेट्स में शिरकत न करने की अपील की है। ये अपील उन्होंने आज यहाँ जारी एक मुख्तसर बयान में की है। मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि सदर बोर्ड हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हुसैन नदवी, ताबीन सदर बोर्ड हजरत मौलाना सैयद जलालुद्दीन, हजरत मौलाना का सैयद अहमद उमरी, हजरत मौलाना सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी, डॉक्टर सैयद अली मोहम्मद नकवी ने अपने मुश्तरक बयान में उलमा और दानिशवरों से अपील की है कि वो इन टीवी चैनलों के मुबाहिसों और डिबेट्स में शिरकत ना करें, जिसका मकसद महज इस्लाम और मुसलमानों की तजहीक और इस्तेहजा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को गुजरात के नवसारी में गुजरात गुरु अभियान के दौरान 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मिस्टर मोदी ने कहा कि आज गुजरात गुरु अभियान है। मुझे इस बात पर खुसूसी फख्र है कि मैंने इतने साल वज़ीर आला के तौर पर काम किया, लेकिन कबायली इलाके में इतना बड़ा प्रोग्राम कभी नहीं हुआ। मुझे इस बात पर फख्र है कि गुजरात छोड़ने के बाद जिन लोगों ने गुजरात को संभालने की जिम्मेदारी की है और जिस वलवले और जोश के साथ भूपेंद्र भाई और सी आर पटेल की जोड़ी नया एतमाद पैदा कर रही है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि रियासत में किए जाने वाले बेहतरीन प्रैक्टिस को एक दस्तावेज की शक्ल में मुलतब किया जाएगा और इसे रियासत के योम तासीस पर जारी किया जाएगा। इन बेहतरीन प्रैक्टिस को रियासत हुकूमत की सतह पर भी नाफिज किया जाएगा। एक मुकामी होटल में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में वजीर आला ने 27 अफराद और इदारों को SDG गोल कीपर अवार्ड से नवाजा, जिन्होंने पायदार तरक्की के अहदाफ के तहत मुख्तलिफ शोबों में जद्दत और काबिल तारीफ काम किया। दामी ने कहा कि तरक्की के हदफ को हासिल करने के लिए सबको ठोस कोशिशें करनी होगी। खुद कफील हिंदुस्तान, खुद कफील उत्तराखंड का सपना पूरा करने के लिए अवामी ताउन जरूरी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी हुकूमत पर नौजवानों के लिए रोजगार के मामले में लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मुल्क के नौजवान रोजगार चाहते हैं, इसलिए वो चलचलाती धूप में दिल्ली की तरफ पैदल मार्च कर रहे हैं। गांधी ने कहा कि मुल्क के नौजवानों फौजी बनने का ख्वाब अपनी आंखों में सजाए हुए हैं और भर्ती के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ फाइलों में उलझी हुई है और इन फाइलों के जरिए नौजवानों के तई गैर हसासियत का मुजाहरा कर रही है। अमरीकी फौजी तैयारा जुमे को कैलिफोर्निया के सहरा इलाके में गिरकर तबाह हो गया। जुमेरात को भी फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें 5 अफराद हलाक हो गए थे। खलीज टाइम्स ने आज ये इतला दी। जुमेरात को फौज का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार 5 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे के एक दिन बाद फौज के एक और तैयारे के गिरने की खबर आई है। जुनूबी मगरब चीन के सूबे सिचुआन में 2 मरतबा जलजले के झटके महसूस किए जाने के बाद कौमी हंगामे खतरे की 4थी बुलंद सतह का अलर्ट जारी कर दिया गया।
इमरजेंसी मैनेजमेंट की वजारत ने जुम्मे के रोज ये इतला दी। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर CENC के मुताबिक चीन के सूबे सिचुआन के अबाद तबत गैंग खुद मुख्तार काउंटी के मैरकांग शहर में 5.8 शिद्दत का जलजिला जुम्मे के रोज मुकामी वक्त के मुताबिक सवेरे 3 बजे आया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि चीन सरहद पर मुस्तकबिल की कार्रवाई की बुनियाद रख रहा है और हुकूमत इसे नजरअंदाज करके मुल्क के साथ गद्दारी कर रही है। राहुल गांधी ने जुमे को ट्वीट किया कि चीन मुस्तकबिल के दुश्मना इकदाम की बुनियाद रख रहा है, हुकूमत हिंद अपने इकदाम को नजरअंदाज करके मुल्क के साथ गद्दारी कर रही है। इसके साथ कांग्रेस लीडर ने 16 जून को नशर होने वाले एक न्यूज चैनल की तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें सरहद पर चीन के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए किए जाने वाले इकदाम को दिखाया गया है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही, दिगर अपडेट के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। खुदा हाफिज। न्यूज अपडेट्स के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद।